और आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 6 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपकी गेम प्ले को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती है अगर आप स्टार्टअप हो या अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो आप लोगों को नहीं पता होती है, ठीक है। तो इन टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा और इसके काफ़ी सारे पार्ट्स आने वाले हैं बिकॉज ये सिर्फ टॉप सिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स है। और अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है वीडियो पर, अच्छे लाइक्स और अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। सो गाइज, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के लाइक्स का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स, यानी आप सभी मिलकर 5000 लाइक्स कंप्लीट करा दो। टिप नंबर 1, कई बार क्या होता है कि आप किसी पे पोस्ट करते हो या फिर कोई आप पे पोस्ट करता है तो समटाइम्स आप क्या डायरेक्ट उनके घर के अंदर चले जाते हो या फिर सेकंड फ्लोर पे उनको मारने के लिए चढ़ जाते हो, या फिर कोई आप पे पोस्ट करता है और वो कहीं एक जगह स्टिल होता है, वो टीपी भी ले रहा होता है, तो आप ओपन में जाके उनको मारने की कोशिश करते हो। तो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपको। आपको क्या करना है, जैसे कोई आप पे पोस्ट करे अगर, तो आप उसकी गाड़ी पे स्प्रे कर सकते हो। स्प्रे करने के बाद अगर कोई नॉक होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई नॉक नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट पोस्ट नहीं करना बिकॉज वो टीपी भी ले रहा है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पोस्ट करोगे तो वो बंदा आपको इजीली मार देगा बिकॉज उसकी हेल्थ फुल है। और आपको क्या करना है, सिंपल सा, आपको नेड करने, जितने भी नेड आपके पास हो सारे के सारे कर दो, और या तो सारे के सारे बंदे खत्म हो जाएंगे या फिर बंदे इतना ज्यादा डैमेज हो जाएंगे कि आप अगर ओपन में पुश करते हो तो आप इजीली उनको मार सकते हो। सो दिस इज अ क्लिप नंबर 2 ऑफ टिप नंबर 1, मतलब जो पहली वाली टिप थी उसी की ये सेकंड क्लिप है। और इसमें मैं बताता हूँ आपको, देखो मैंने वापस से कैसे नेड किए। अब सामने एक्चुअली बंदे टीपी भी ले रहे थे बहुत ही हार्ड, तो मैंने यहाँ पे एक नेड किया इजी ताकि वो लोग इधर उधर होए और मैं उनको नॉक कर सकूँ या फिर वो लोग नॉक हो जाए। देखो अब वैसे एक बंदा बाहर निकल के आ जाता है क्योंकि उसको पता लग जाता है कि क्लोज एक नेड आया है, ठीक है। अब इन दोनों की प्रॉपर पोजीशन मेरे को पता नहीं होती है और मैं खेला था सोलो भी डुओ, और यहाँ पे देखो मैंने जितने भी नेड्स मेरे पास थे वो सारे के सारे नेड वहाँ पे कर दिए ताकि जो भी बंदे इधर उधर लेटे हों वो सारे के सारे डैमेज हो जाएं या फिर नॉकआउट या कन्फर्म हो जाएं ताकि मैं इजीली उन पर पुश कर सकूँ। और देखो यहाँ पे दोनों बंदे कन्फर्म हो गए और मैंने यहाँ पे टोटल 4-5 नेड कर दिए थे। टिप नंबर 2, ऑलवेज प्री फायर। अगर आपको सामने वाले बंदे की लोकेशन पता और उसके बाद भी आप प्री फायर नहीं करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अब देखो मुझे पता था सामने वाला बंदा खिड़की पे और मैंने इतना ज़्यादा प्री फायर किया, पहले तो वो बंदा आया ही नहीं और फिर उसके बाद जैसे वो बंदा आया बेचारा इजिली नॉकआउट हो गया। और सेम इसके टीममेट्स के साथ भी होता है, इसके टीममेट बेचारे सामने ब्रोकन वॉल पर टीपी भी ले रहे होते हैं और वो बेचारे घुसने की कोशिश करते हैं इसको रिवाइव देने के लिए, और मैं एक बंदे को मारता हूँ दूसरे बंदे को तो मैं प्री फायर में खा जाता हूँ जैसे मुझे दिखता है और मैं उस पर प्री फायर कर देता हूँ। क्या था भाई? ओके गाइस, जब भी आपकी क्लोज कार फाइट हो तो आपको कभी भी स्कोप ओपन नहीं करना है, एडीएस ओपन नहीं करना, आपको हिप फायर देना है बिकॉज हिप फायर इतना एक्यूरेट होता है कार फाइट्स में, आप इजीली 2 से 3 बंदों को बाहर निकाल सकते हो। तो गाइस ऑलवेज रिमेंबर कि आपको हिप फायर ही करना है क्लोज फाइट्स में, एडीएस ओपन नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके गाइस, ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ कि आप अकेले फंस जाते हो या फिर आप सोलो भी डुओ या सोलो स्क्वाड खेल रहे होते हो तो सामने से 2-3 या 4 बंदे आप पे पूरा का पूरा, मतलब स्क्वाड एक साथ पुश कर देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ऐसी कंडीशन में कि जब आप एक जगह से गोली चला देते हो तो आपको एक्यूरेट उसी जगह नहीं खड़े रहना, आपको तुरंत लोकेशन चेंज करनी है बिकॉज सामने वाला ये सोचता है कि आप उसी जगह पे होंगे, तो आपको लोकेशन चेंज करके मारना है। एज फास्ट एज पॉसिबल आप लोकेशन चेंज करोगे और सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएगा।
ओके गाइज, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आप लोगों के रिफ्लेक्सेज इतने स्लो होते हैं कि अगर आपका टीममेट कार चला रहा है और आपके सामने से कोई गाड़ी निकलती है ना, तो आप उतर के नहीं मारते हो। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको एज फास्ट एज पॉसिबल उतरना है, ठीक है, उसके बाद क्राउच करके स्प्रे देना है ताकि आपके सामने से कोई भी गाड़ी निकले तो आप उनके एक या दो बंदे उतार सको। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गाड़ी से उतरना है, क्राउच करके उन पर स्प्रे करना है ताकि आप इजिली गाड़ी से उन दोनों या तीनों जितने भी बंदे उनको निकाल सको बाहर। पॉइंट नंबर सिक्स एंड दिस इज द लास्ट पॉइंट, जब भी आप लॉन्ग रेंज फाइट लो ना, अपनी M4 में अगर 6x लगा हुआ है तो उसको फुल पे कर लो और टैप टैप मारो ताकि सामने वाला बंदा इजीली नॉक हो जाए। अगर आप उस पर स्प्रे करने की कोशिश करोगे ना तो वो शायद कवर में चला जाएगा, बट आप टैप टैप से स्टार्टिंग करोगे तो आप इजीली उसे नॉक कर सकते हो। नाइस, नॉक किधर दिया तूने? ओके गाइस, आज की इस वीडियो में